नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश करंट अफेयर्स की श्रृंखला में आज जो है हम दो महीने का करंट अफेयर्स यानी कि अगस्त और सितंबर दोनों का एक साथ पढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से थोड़ा ये बड़ा लेक्चर होगा, लेकिन इसमें जो है आपका दो महीने का पूरा करंट अफेयर्स अगस्त और सितंबर का कंप्लीट कवर हो जाएगा। और आने वाले एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको पूरा देखिएगा। आप में से कई लोग की एक क्वेरी रहती है कि सर इसकी पीडीएफ कैसे प्राप्त करें, तो आपको मैं बता दूं कि इसकी पीडीएफ जो है आप हमारे डिकोड एग्ज़ाम के ऐप पर लॉगिन कर लें। अगर आप नए हैं तो जो है साइनअप कर प्रोसेस से लॉगिन बना लें और वहां पर ई बुक्स और पीडीएफ का एक सेक्शन दिया हुआ, उसमें जाकर आप जो है मंथली मैगज़ीन को डाउनलोड कर लें। मंथली मैगज़ीन में जो है आपको जो है यूपी का करंट अफेयर्स जो है उसी के अंदर ही मिल जाएगा। और अभी रिसेंटली लास्ट में जो है यूपी की जो आर्थिकी पढ़ाई गई थी जो है उसका भी जो है इस महीने की जो करंट अफेयर्स की मैगज़ीन रिलीज़ हुई है उसमें जो है वो पूरा है। तो आप जो है डिकोड एग्ज़ाम का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, शुरुआत करते हैं सबसे पहले अयोध्या से। अयोध्या में जो 84 कोसी परिक्रमा है, जो बहुत सालों से बहुत पुरानी जो है पौराणिक परिक्रमा मार्ग है 84 कोसी, इसका जो है अब एक नया नाम बदल कर जो है क्या रख दिया गया है, नेशनल हाईवे 227B यानी 227B कर दिया गया है। तो बहुत सारी और डिटेलिंग भी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यही है कि आपसे जो है 84 कोसी परिक्रमा का जो है जो एक जो है ऑफिशियल नेम है वो आपसे पूछा जा सकता है कि ये अब जो है NH 227B कहलाएगा। और इसकी वैसे लंबाई कितनी है, 275 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है, चौड़ाई इसकी जो है 45 मीटर होगी। और ये जो है 4 लेन जो है वाहनों के लिए मार्ग बनेगा। और ये परिक्रमा मार्ग जो है 5 जिलों से होकर गुजरेगा, 5 जिलों की 112 ग्राम सभाएं इसमें आएंगी। और 84 कोसी परिक्रमा मार्ग बस्ती जिले के मखौड़ा ग्राम से शुरू होगा और इस रास्ते पर पड़ने वाले धार्मिक स्थलों को लिंक करते हुए ये आगे बढ़ेगा। ये जो 84 कोसी परिक्रमा मार्ग है ये पर्यटन, रोजगार व व्यापार के लिहाज से भी जो है काफ़ी उपयोगी होगा। धार्मिक महत्व तो इसका अपनी जगह पर है ही है। उत्तर प्रदेश में जो है जो कोविड काल में जो है कोरोना काल में जो बेसहारा महिलाएं हैं उनको आर्थिक मदद देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है एक स्कीम शुरू की है, एक योजना शुरू की है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है जो आपसे पूछा जा सकता है कि कितने रुपए की मासिक आर्थिक सहायता इनको दी जाएगी। तो यहाँ पर जो है देख लीजिए 2000 रुपये प्रतिमाह की जो है आर्थिक सहायता जो है इन महिलाओं को दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के जो 5 विश्वविद्यालय हैं उनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खुलेगा। तो ये कैसे विश्वविद्यालय हैं, ये सभी 5 राज्य विश्वविद्यालय हैं। इसमें शोध कार्य करने के लिए शिक्षकों को जो है 45.75 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। योजना क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के तहत ये धनराशि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय कहाँ पर है, अयोध्या में है, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ जो है वाराणसी में है, प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया विश्वविद्यालय प्रयागराज, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ और उसके अलावा लखनऊ विश्वविद्यालय को मिलेगा। तो ये 5 राज्य विश्वविद्यालय जो है इनको जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत जो है घोषित किया गया है। आगे बढ़ते हैं, डिफेंस कॉरिडोर का जो है काफ़ी तेज़ी से काम बढ़ रहा है। अभी हाल ही में जो है प्रधानमंत्री द्वारा भी जो है अलीगढ़ में विजिट की गई थी जो है। तो डिफेंस कॉरिडोर में अलीगढ़ का जो है सबसे ज़्यादा महत्व है और वहाँ पर जो है ड्रोन बनाने की एक फैक्ट्री स्टार्ट की जा रही है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अलीगढ़ नोड में अत्याधुनिक ड्रोन बनाए जाएंगे। ये ड्रोन डिजाइनर, मैनेजमेंट, सुरक्षा, कृषि, व्यापार, मीडिया के साथ बाढ़ प्रभावित व दूर दरार के इलाकों में दवाइयां पहुंचाने के लिए भी उपयोगी सिद्ध होंगे। ड्रोन निर्माण प्लांट लगाने के लिए एलन एंड एलवन प्राइवेट लिमिटेड ने 30.75 करोड़ और एंकोर रिसर्च लैब LLP द्वारा 550 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से आपको याद रखना है कि डिफेंस कॉरिडोर जो है परियोजना के तहत जो है
जो ड्रोन बनाने की इकाई है उत्तर प्रदेश में कहाँ लगेगी, तो सीधा सा आपका जवाब है कि अलीगढ़ में स्थापित हो रही है। एक और नया रूल बनाया गया है कि जितने भी अस्पताल हैं सरकारी उनमें स्टॉक रजिस्टर रखना अनिवार्य है। वैसे तो ये एक पहले से ही सामान्य नियम भी है कि जहाँ पर भी कोई जो है सामान प्राप्त होता है या भेजा जाता है तो स्टॉक रजिस्टर में उसकी एंट्री होनी चाहिए, लेकिन अब इसको सख्ती से लागू कराया जा रहा है कि सभी सरकारी अस्पतालों में स्टॉक रजिस्टर रखना अनिवार्य होगा और उसका ऑडिट भी कराया जाएगा, जिससे किसी भी तरह की जो है अगर स्टॉक के खरीद में या उसके वितरण में कोई गड़बड़ी की गई है तो उसको पकड़ा जाए। आगे बढ़ते हैं, देवबंद समेत 12 जगहों पर बनेगी ATS की नई यूनिट। ATS क्या है? एंटी टेरर यूनिट, और ये जो है देवबंद समेत उत्तर प्रदेश के 12 जगहों पर स्थापित होगी। हर इकाई में 1.5 से 2 दर्जन कमांडो की तैनाती की जाएगी। ATS को अत्याधुनिक संसाधनों से लैस किया जाएगा, साथ ही समुचित संसाधन भी मुहैया कराए जाएंगे। तो मुख्य रूप से आपको क्या पता होना चाहिए कि 12 यूनिट जो है ATS की उत्तर प्रदेश में लगाई जा रही है, शुरू की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जेम पोर्टल आप लोग जानते हैं, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लस इसका फुल फॉर्म होता है। ये क्या है? ये भारत सरकार द्वारा सरकारी खरीद के लिए शुरू किया गया जो है एक पोर्टल है, वेबसाइट है, जिसपे सभी जो है जो फर्म्स हैं और कंपनीज हैं वो सप्लायर्स हैं वो अपना रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं जो एलिजिबल होते हैं, और सरकारी खरीद जितनी भी होती है वो इसी पोर्टल से करना अनिवार्य होता है। तो इस मामले में उत्तर प्रदेश ने सबसे ज़्यादा जो है जेम पोर्टल से खरीदारी की है और उसको प्रथम स्थान दिया गया है। उत्तर प्रदेश जो है ने 4,611 करोड़ रुपए की खरीदारी अभी तक जेम पोर्टल से की गई है, और लगातार ये तीसरी बार उत्तर प्रदेश लगातार तीसरी बार जो है नंबर 1 की पोजीशन पर आया है। आगे बढ़े, अभी जो है खेलों के ओलंपिक गेम्स के रिजल्ट से उत्साहित होकर जो है सभी राज्य सरकारों ने बड़ी बड़ी योजनाएं शुरू की हैं, तो उसी क्रम में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी जो है शुरुआत की गई है, और उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है 10 वर्षों के लिए कुश्ती व एक अन्य खेल को गोद लेगी, पूरी तरह से फंड करेगी, गोद लेगी जो है, और खिलाड़ियों के प्रशिक्षण व इन खेलों को बढ़ावा पर होने वाला सारा खर्च जो है राज्य सरकार द्वारा ही वहन किया जाएगा। 16 जिले जो अभी तक खेल विभाग की सुविधाओं से अछूते थे वहाँ पर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। 100 अतिरिक्त पद उप क्रीड़ा अधिकारी के और सहायक प्रशिक्षक के, 150 अतिरिक्त पद सृजित किए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ में एक कुश्ती अकेडमी बनाई जाएगी, इसको ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि राज्य स्तरीय कुश्ती अकेडमी कहाँ बनाई जाएगी, लखनऊ में बनाई जाएगी, जिसमें अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी। ओलंपिक, कॉमनवेल्थ गेम्स व एशियन गेम्स के उत्तर प्रदेश के विजेताओं को सीधे जो है गजटेड ऑफिसर की पोस्ट पर नियुक्ति दी जाएगी। साथ में स्पोर्ट्स कॉलेजों के हॉस्टल में रह रहे खिलाड़ियों की डाइट मनी जो अभी तक 250 रुपये थी इसको बढ़ाकर जो है 375 रुपया कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, रक्षा सूत्र कार्यक्रम, तो ये जो है रक्षाबंधन में जिस तरह से रक्षा सूत्र बांधा जाता है उसी तरह से उसी से प्रेरित है, लेकिन ये किसकी रक्षा के लिए है? ये पेड़ों की रक्षा के लिए है जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने चलाया। ये कार्यक्रम 22 अगस्त से 29 अगस्त तक पूरे प्रदेश में चलाया गया। इसमें जितने भी जनप्रतिनिधि होते हैं, सांसद, विधायक, पार्षद समेत जो है इन्होंने अपने जिलों में जो विरासत वृक्ष हम किसे कहते हैं, जो काफ़ी पुराने होते हैं, जैसे बरगद के, पीपल के और पाकड़ के, काफ़ी पुराने 100-100 साल पुराने वृक्ष होते हैं, इनको जो है और बाकी अन्य रोपित पौधों में जो है रक्षा सूत्र बांधकर उनकी रक्षा का संकल्प लिया। सरकार द्वारा अभी हाल ही में 30 करोड़ पौधारोपण का जो इस वर्ष का लक्ष्य था उसको पूरा किया गया है, और हाल ही में 947 विरासत वृक्षों को भी चयन किया गया है। ये कैसे हैं? जो 100 साल से ज़्यादा पुराने वृक्ष हैं इनके संरक्षण का संकल्प लिया गया है। अगला जो है पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है, मेडिकल डिवाइस पार्क। अभी जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी पूरे देश में जो है 5 स्वीकृत किए हैं, उनमें से एक जो है अपने उत्तर प्रदेश में है, और ये पहला मेडिकल डिवाइस पार्क उत्तर प्रदेश का कहाँ बनेगा, यही आपसे सीधा प्रश्न आ सकता है। तो कहाँ बनेगा? ये नोएडा में बनेगा,
और मेडिकल डिवाइस पार्क, जैसा कि जानते हैं यहाँ पर जितने भी मेडिकल यानी चिकित्सा से संबंधित उपकरण हैं और उनका जो है उत्पादन किया जाएगा, एक तरह से उनकी ये जो है बड़ी एक फैक्ट्री होगी। आगे बढ़ते हैं, नोएडा में ही भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना होगी। तो सीधा सीधा यही आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय विरासत संस्थान, इंडियन हेरिटेज इंस्टीट्यूट, कहाँ पर स्थापित होगा? नोएडा में होगा, और ये एक जो है विशिष्ट संस्थान होगा। भारतीय विरासत संस्थान की स्थापना, पुरातत्व संस्थान, राष्ट्रीय अभिलेखागार, इसके अंतर्गत अभिलेखीय अध्ययन स्कूल, राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण संस्थान द्वारा लखनऊ, राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान, कला इतिहास संरक्षण और संग्रहालय भी है, व इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की प्रशासनिक इकाइयों को एकीकृत कर किया जा रहा है। कहने का मतलब क्या है, ये जितने सारे जो है आपको इंस्टीट्यूट दिख रहे हैं जो पहले से रन कर रहे हैं, इन सब का एक में मर्जर करके अब एक संस्थान बन रहा है जिसको कहा जाएगा भारतीय विरासत संस्थान। ये कहाँ स्थापित होगा? नोएडा में होगा। आगे बढ़ते हैं, सीड सब्सिडी, ये जो है टर्म आपने सुना होगा, जो किसानों को बीज खरीदने के लिए सरकार अनुदान प्रदान करती है, तो इस बार जो है विशेष अनुदान दिया जा रहा है। वो क्यों दिया जा रहा है? कोविड के कारण जो है, जो लोगों की जो है पर्सनल जीवन में जो है गिरावट आई है आर्थिक स्तर पर जो है, उसको देखते हुए तो धान पर 250 रुपये और गेहूं के बीज पर 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ये सब्सिडी या विशेष अनुदान, जिसको हम कहेंगे स्पेशल सब्सिडी, दी जा रही है। और ये योजना क्या होती है, आपने पढ़ा होगा बीज ग्राम योजना। बीज ग्राम योजना के तहत गेहूं व धान के बीज पर अन्य केंद्रीय योजनाओं के बराबर अनुदान अभी तक नहीं मिल रहा था, इसीलिए ये स्पेशल ग्रांट या स्पेशल सब्सिडी रिकमेंड की गई है। आगे बढ़ते हैं, 13 हवाई पट्टियां उत्तर प्रदेश में विकसित की जा रही हैं, जहां पर जो है उड़ान का प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए फ्लाइंग क्लब व एकेडमीज को हवाई पट्टियों के उपयोग की नीति की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके लिए कुल 13 हवाई पट्टियों व उनकी परिसंपत्तियों को उड्डयन के क्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। आगे बढ़ते हैं, माता विंध्यवासिनी का मंदिर जो है आप जानते हैं कहाँ पर है, मिर्जापुर में, उसमें जो है 128 करोड़ रुपए की कुल परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। तो ये जो है वहाँ पर जो आने जाने वाले जो है गलियारे हैं, मतलब जिस तरह से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम चल रहा था, सेम उसी तर्ज पर जो है वहाँ मतलब दर्शन की सुविधाओं को जो है और ज़्यादा सुलभ बनाने के लिए कुल 128 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दे दी गई है। अब इसमें कई सारे हैं कि मंदिर निर्माण के लिए, मार्ग के लिए, बाकी अन्य चीज़ों के लिए, तो उसके ब्रेकअप की आवश्यकता नहीं, आप इतना धनराशि को याद रखें, इतना जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पर्याप्त है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून या विधेयक जो है 2021, अभी कानून नहीं बना है, विधेयक के ही फॉर्म में है, तो जो विधि आयोग को जो इसकी जिम्मेदारी दी गई थी उसने अपना जो है ड्राफ्ट बनाकर सरकार को सौंप दिया है। अब इसमें बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं, जो लोग अपना 2 बच्चों तक परिवार को सीमित रखेंगे उनको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे, नौकरी में अगर है तो नौकरी में उनको स्पेशल इंक्रीमेंट मिलेगा, बाकी कई सारे अन्य भत्ते जुड़ जाएंगे, पेंशनर्स को फ़ायदा होगा, तो इसमें बहुत सारे हैं। और करीब 8500 सुझाव में से 99.5% लोगों ने कानून बनाने के पक्ष में मतदान किया था, जो सरकार ने ड्राफ्ट अपना आम पब्लिक की राय जानने के लिए पब्लिश किया था, तो उसमें 99.5% लोगों ने उससे अपनी सहमति व्यक्त की, यानी ज़्यादातर लोग जो है ये चाहते हैं, ज़्यादातर क्या, लगभग सभी लोग 0.5% को छोड़कर, कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नियंत्रण स्थिरीकरण व कल्याण विधेयक 2021 का जो प्रारूप था वो लोगों के हिसाब से ठीक है। अब इसमें बहुत सारी सुविधाएं हैं, नई सिफारिशें क्या की गई हैं, इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ने की इसलिए आवश्यकता नहीं है कि चूंकि अभी ये कानून की शक्ल में पास नहीं हुआ है, केवल एक ड्राफ्ट फॉर्मेट में है, तो बहुत सारी सुविधाएं भी हैं, कुछ खास चीज़ें भी हैं। बेटी, अगर 2 बेटियां किसी की होंगी या एक सिंगल बेटी पे जो है वो अपना परिवार को सीमित करता है,
तो उसको जो है नौकरी में 4 इंक्रीमेंट तक जो है बढ़कर मिलेंगे। तो इस तरह से कई सारे फायदे हैं। और कटौतियाँ क्या हैं, जो लोग जो है अपना परिवार सीमित नहीं रखेंगे उनको जो है कई सारे जो है नुकसान उठाने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, तहसील व ब्लॉकों में अब हर 15 दिन में स्वावलंबन कैंपों का आयोजन होगा। स्वावलंबन कैंपों में क्या होगा, सरकार जो है पति की मृत्यु के बाद मिलने वाली निराश्रित महिला पेंशन योजना में अधिक से अधिक महिलाओं को शामिल करने के लिए इन कैंपों का आयोजन कर रही है। और ये कैंप बेसिकली किस योजना के अंतर्गत हैं, मिशन शक्ति योजना के अंतर्गत हैं। हर 15 दिन पर तहसील और ब्लॉक में जो है कैंप लगेगा। इस कैंप में जो है जो निराश्रित महिलाओं की कैटेगरी में आती हैं वो आकर जो है अपना रजिस्ट्रेशन कराकर जो है लाभ प्राप्त कर सकती हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी जो है यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी हुई है तो उसमें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU को देश में तीसरा सर्वोच्च संस्थान रैंकिंग में घोषित किया गया है। और वहीं पर जो है IIM साइंस इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है इसको अध्ययन के आधार पर देश के पहले सर्वोत्तम शिक्षा संस्थान का दर्जा प्राप्त हुआ है। एकेडमिक रैंकिंग ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज़ 2021 की लिस्ट में कलकत्ता विश्वविद्यालय को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और ARW की तरफ से प्रत्येक वर्ष जो है दुनिया के कम 1000 यूनिवर्सिटीज़ और विभिन्न शिक्षण संस्थानों का समीक्षा की जाती है, तब ये रैंकिंग्स जो है जारी की जाती है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के 9 रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाया जाएगा, विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। तो एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं वहां पर होंगी। और रेल मंत्रालय द्वारा जो है देश के कुल 49 और रेलवे स्टेशनों को जो है विश्व स्तरीय बनाया जाएगा। दूसरे चरण के लिए उत्तर प्रदेश के 9 स्टेशनों को चुना गया है। इसमें कौन कौन से स्टेशन हैं, गोंडा, बरेली, मेरठ सिटी, मुरादाबाद, दीनदयाल उपाध्याय नगर, गोरखपुर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा फोर्ट, ये सभी स्टेशन जो है सेकेंड फेज में चुने गए हैं। आगे बढ़ते हैं, चीन की तर्ज पर पथरीले पहाड़ों पर पौधे उगाने की टेक्निक जो है बुंदेलखंड में अप्लाई की जा रही है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था, तो चीन में चूंकि इसका सफल प्रयोग हो चुका है तो उत्तर प्रदेश में भी जो है पथरीली जमीन पर मिट्टी की परत बिछाकर पौधारोपण किया जाएगा। और इसकी शुरुआत चित्रकूट व झांसी के पहाड़ियों से की जाएगी। और पूरे जो बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसके लिए विशेषकर इस स्कीम को चुना गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश को वाद निस्तारण में नंबर 1 बनाने वाले न्यायाधीश को सम्मानित किया गया है। जज साहब को सम्मानित किया गया है, कहाँ पर जो है, तो राष्ट्रीय लोक अदालत में सर्वाधिक वाद निस्तारित, सर्वाधिक केसेज को निस्तारित करने करके उत्तर प्रदेश को नंबर 1 बनाने वाले जनपद न्यायाधीशों व सचिवों को भी हाल ही में सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत में उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 12,00,000 वाद निस्तारित किए गए हैं। तो यहाँ पर जो है जजेस का नाम याद करने की या जानने की आवश्यकता नहीं है, इतना जान लीजिए कि जो राष्ट्रीय लोक अदालत है उसमें सबसे ज़्यादा पेंडिंग मुकदमों को जो है हल करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश बन चुका है, नंबर 1 पे है। एक अभियान शुरू हुआ है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। तो निश्चित रूप से ये महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन से जुड़ा हुआ अभियान है, चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो। इस अभियान के तहत उच्च शिक्षा विभाग छात्राओं को परामर्श भी देगा। छात्राओं को चुप्पी तोड़ो खुलकर बोलो के तहत परामर्श देने के लिए महिला अध्यापिकाएं भी नामित की जाएंगी। महिला महाविद्यालयों में हेल्थ क्लब बनाए जाएंगे, सह शिक्षा वाले जहां पर को एजुकेशन होती है वहां पर जो है बालिका हेल्थ क्लब गठित होंगे, और जिनमें स्वास्थ्य विभाग की ओर से छात्राओं को प्राथमिक उपचार के लिए भी प्रशिक्षित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुपूरक बजट प्रस्तुत किया गया था, सप्लीमेंट्री बजट जो है जो कि जो है नियमित बजट से अलग होता है। तो आपको बस इसकी धनराशि याद रखनी है। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सप्लीमेंट्री बजट है इसको हम फर्स्ट सप्लीमेंट्री बजट कहेंगे क्योंकि ये प्रथम अनुपूरक बजट है। ये है 7,301,51,58,000 रुपये का जो है पूरा बजट है।
और अगर इसका कंपेरिजन किया जाए जो रेगुलर बजट 21-22 का इस वित्तीय वर्ष का प्रस्तुत किया गया था उसका ये जो है 1.33% है। तो मूल बात यही है। अब इसमें कई सारे जो है आंगनवाड़ी सहायक, शिक्षा मित्र, हेड कुक, असिस्टेंट कुक, रोजगार सेवक, पीआरडी जवान, चौकीदार, इन सब की जो है वेतन बढ़ाया गया, मुख्य रूप से ये इसका हाईलाइट है। इसके तहत सहकारी चीनी मिल संघ को की चीनी मिलों के जो गन्ना मूल्य का भुगतान का बकाया देने के लिए पैसा दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 200 करोड़ रुपए दिए गए हैं। इन सभी के लिए बजट में करीब 1,399.14 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। युवाओं को डिजिटली सक्षम बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। और इसी में जो है मानदेय बढ़ाने की जो बात की जो है जो काफ़ी लंबे समय से जो है मांग की तरह से चल रहा था, तो करीब 10 लाख जो कर्मचारी हैं उनके मानदेय में वृद्धि के लिए 576 करोड़ रुपए की व्यवस्था अनुपूरक बजट में की गई है। तो ये जो है पूरा उसका एक लेखा जोखा है, लेकिन इसको याद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं। केवल आप जो है कुल धनराशि पर फोकस करिए, कुल धनराशि आपको पता होना चाहिए और कितने परसेंट जो है ये मूल बजट का है, ये दो चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। डिस्टिलरी प्लांट लगने वाला है, वो भी देश का जो सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में लगेगा। तो किसानों को समय से गन्ना मूल का भुगतान कराने व रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने के लिए मैजापुर चीनी मिल में 455.84 करोड़ रुपए की लागत से देश की सबसे बड़ा डिस्टिलरी प्लांट लगेगा। इसकी क्षमता कितनी होगी? 350 किलो लीटर होगी। यहाँ पर क्या होगा? गन्ने के जूस, चीनी के घोल, जौ, मक्का से एथेनॉल बनाया जाएगा। एथेनॉल का प्रयोग कहाँ पर होता है? इसको ईंधन में अब मिलाया जाता है पेट्रोल में, जिससे जो है पेट्रोल जो है सस्ता भी हो सके और जो है गाड़ियाँ फ्यूल इफिशियंट हो सके। और ये बनकर कब तक तैयार होगा? 2027 तक बनकर तैयार होगा। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा जो है 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से जो है उद्बोधन दिया गया था, तो उसमें लखनऊ की भी जिक्र हुआ था। और लखनऊ का जो है कौन कौन सी उपलब्धियों का जिक्र हुआ था? प्रधानमंत्री ने 74 सप्ताह में देश के 74 रूटों पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का चलाने की घोषणा की। और इसमें जो है लखनऊ के ही एस मड़ी के मार्गदर्शन में इस योजना को तैयार किया गया है। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई थी कि अभी तक सैनिक स्कूलों में केवल जो है बॉयज पढ़ते थे, लड़के पढ़ते थे, और अब जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है घोषणा की गई कि अब जो है लड़कियां भी सैनिक स्कूलों में पढ़ सकेंगी। उसकी शुरुआत कहां से हुई? लखनऊ के सैनिक स्कूल से हुई। ये जो है इसीलिए जो है इसका भी जिक्र आया। और कैप्टन मनोज पांडे, निश्चित रूप से आप जानते होंगे शहीद मनोज पांडे, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में पहली बार वर्ष 2018 में जो है ये इन्हीं के नाम पर जो है नामकरण हुआ है लखनऊ के सैनिक स्कूल का, कैप्टन मनोज पांडे के। 2018 से ही जो है यहाँ पर बालिकाओं को प्रवेश दिया जाता रहा है, जो अब सभी जगह लागू होगा। उत्तर प्रदेश में ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत जो है अन्य पिछड़ा वर्ग में 8 और जातियाँ जुड़ सकती हैं, और इसके लिए जो है वर्तमान में कितनी हैं ये आपको बताना चाहिए। 79 जातियाँ जो है अभी ओबीसी की लिस्ट में उत्तर प्रदेश में शामिल हैं। हाइपर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी जो है ये एक अभिनव जो है प्रयोग है, और उत्तर प्रदेश के वाराणसी में यानी बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में देश की पहली हाइपर स्पेक्ट्रल लाइब्रेरी बनेगी। इसमें क्या होगा? हिमालयी क्षेत्रों में जो औषधीय गुणों से भरपूर तमाम दुर्लभ पौधे होते हैं, इनकी पहचान तथा संरक्षण के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी जो है बनाई जा रही बीएचयू में। ये क्या है? एक ऐप है जिससे पौधों की वास्तविक लोकेशन का पता लगाया जा सकेगा तथा इन पर निगाह भी रखी जा सकेगी यानी इनकी मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। कम समय में ऊसर को घटाकर और उत्पादन बढ़ाने के लिए जो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की केंद्रीय अनुसंधान इकाई के क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ की ओर से हॉलो मिक्स नाम का एक फार्मूला तैयार किया गया। तो बस इस नाम को आपको याद रखना है
कि इस हॉलोमिक्स जो है किसने तैयार किया है, लखनऊ की जो है रीजनल यूनिट ने तैयार किया गया है, किया है, और इसका उपयोग ऊसर जमीन से जिप्सम के स्थान पर किया जाएगा। जिप्सम का जो है बहुतायत प्रयोग होता है ऊसर जमीन के रिक्लेमेशन में, सुधार में। इससे कम समय में जहां पर ऊसर भूमि में कमी आएगी वहीं उत्पादन में 10 से 15% का इजाफा भी हो जाएगा। इसके उत्पादन के लिए हैदराबाद की एक कंपनी के साथ जो है समझौता हुआ है और देश में 67 लाख हेक्टेयर ऊसर भूमि है। इसमें अकेले उत्तर प्रदेश में 13.7 लाख हेक्टेयर जमीन जो है ऊसर है। आगे बढ़ते थे, अभी एक रिसर्च हुई है, उसकी कुछ फाइंडिंग है कि गोवा, कुमटा व मैंगलुरु में रोमन कैथोलिक जो बसते थे वो भारतवंशी ब्राह्मण थे। तो भारतीय वैज्ञानिकों ने गोवा व कुमटा मैंगलुरु में बसे रोमन कैथोलिक आबादी का 2500 वर्षों का इतिहास खोजने में सफलता पाई है। और ये हमारे यूपी से कैसे रिलेटेड हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक संस्थान है बीरबल साहनी पुरा वानस्पतिक संस्थान या पुरा विज्ञान संस्थान, जो कि कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। और इसके साथ में हैदराबाद ने भी, हैदराबाद की डीएनए विश्लेषण प्रयोगशाला है, दोनों ने मिलकर जो है ये अध्ययन किया है। इनके अनुसार गोवा के साथ मैंगलुरु व कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के प्रमुख व प्राचीन शहर कमटा में बसे रोमन कैथोलिक जो है क्या थे, मूल रूप से भारतवंशी ब्राह्मण थे। बाकी इसमें कई सारे और भी फाइंडिंग्स आई हैं जो डीएनए अध्ययन के आधार पर आई हैं। आगे बढ़ते हैं, सब्जी निर्यात का केंद्र के रूप में जो है पूर्वांचल को विकसित करने के लिए जो है योजना शुरू की गई है, और पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह हिस्सा औद्योगिकरण की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कृषि भूमि दुनिया में सबसे अधिक उर्वर भी है। इसे ऑर्गेनिक खेती की इस कारण जो है इसमें पर्याप्त संभावनाएं हैं, और यहाँ जो सब्जियाँ उगाई जाएंगी उनका यूरोपीय व जो है गल्फ कंट्रीज में निर्यात किया जा रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तरी बिहार, क्योंकि अगर पूर्वांचल की बात करते हैं तो वो भी जो है उत्तरी बिहार भी उसमें आ जाता है। उगने वाली जो ताज़ा सब्जियों और मौसमी फलों के निर्यात की तैयारियाँ अब शुरू हो गई हैं। केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने खाद्य कृषि मंत्रालय के साथ मिलकर यहाँ उपज के निर्यात की रणनीति तैयार की है। आगे चलते हैं, एक और अभियान पौधारोपण से संबंधित उत्तर प्रदेश का, उसका नाम क्या है, मेरा शहर मेरा पेड़ मेरी ऑक्सीजन। तो यह अभियान चलाया जाएगा, 2022-23 तक उत्तर प्रदेश में 35 करोड़ पौधे रोपने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट ये आगे का लक्ष्य आ गया है, और पौधा रोपण के लिए हर तहसील में लैंड बैंक तैयार किया जाएगा। अभी हमने खेलों को जो है, खेलों के बारे में बात की थी कि प्रोत्साहन देने के लिए उत्तर प्रदेश में कई सारी योजनाएं शुरू की गई हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने कुश्ती खेल को जो है 2023 तक गोद ले लिया है, और इसमें जो है 2032 तक इस खेल को गोद लिया है, और कुश्ती को गोद लेने वाली प्रदेश सरकार के पहलवानों के समर्थन तथा बुनियादी ढांचे के लिए 2032 ओलंपिक तक 170 करोड़ रुपए का निवेश इस खेल में किया जाएगा, और लखनऊ में कुश्ती एकेडमी बनेगी, जो हमने जो है अभी पहले भी बात की थी। एक फाइटर रोबोट विकसित किया गया है, किसके द्वारा, IIT कानपुर के द्वारा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर के इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग विभाग के प्रोफेसर व छात्रों ने फाइटर रिमोट का रोबोट का निर्माण किया है, और इसकी खासियत क्या है, ये एक साथ जो है 5 गोलियां 1 सेकंड में दाग सकता है। ये रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग तथा गणितीय मॉडलिंग से लैस है। इसमें लिडार क्या होता है, प्रकाश से दूरी का आकलन करने वाला जो है उपकरण, 3D कैमरा, माइक्रो प्रोसेसर व सेंसर लगे हुए हैं, और ये रोबोट का एक प्रोटोटाइप मॉडल है जिससे फाइबर की गोलियां निकलती हैं, और इसका जो निशाना है वो अचूक है। तो आगे चलकर जो है इससे और भी जो है अत्याधुनिक रोबोट विकसित किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, गन्ने की जो खोई होती है जिसको एक वेस्ट प्रोडक्ट मान लिया जाता है, उससे जो है बिस्किट बनाकर इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो है प्रयास किया गया है, और ये प्रयास किसने किया है, इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट। इंडियन शुगर इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, कानपुर में है।
ये विटामिन व कैल्शियम से परिपूर्ण होगा जो बिस्किट बनेगा, और शरीर की जो है जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसको बेहतर करेगा। पेट की दिक्कतों और अन्य बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए भी ये काफ़ी फायदेमंद होगा। क्यों? क्योंकि गन्ने की खोई में क्या होगा? फाइबर, और फाइबर जो है पेट के रोगियों में, कब्ज में और इस तरह की बीमारियों में जो है बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। उत्तर प्रदेश में डिफेंस हब जो है, डिफेंस कॉरिडोर तो बन ही रहा है, लेकिन डिफेंस रक्षा उत्पादों को बनाने के लिए पूरा एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट जो है शुरू किया गया है। तो उसी के तहत जो है लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल का निर्माण जो है किया जाएगा, और उत्तर प्रदेश एयरफोर्स एयरोस्पेस और डिफेंस हब बनाने की तेजी में जो है तेजी से अब ये अग्रसर हो रहा है। ब्रह्मोस मिसाइल के सब सिस्टम के निर्माण से जुड़ी 200 से अधिक औद्योगिक इकाइयाँ भी जो है अपनी उत्पादन इकाइयाँ यहाँ पर लगाएगी। ब्रह्मोस कम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। इसे पनडुब्बी से, पानी के जहाज से, विमान से या जमीन से, यानी कई तरह से जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर भी उड़ान भरने में सक्षम है तथा रडार की पकड़ में ये नहीं आती है। अब इसकी और विशेषताएं हैं ब्रह्मोस की। ये रूस की P-800 ओंकिस क्रूज मिसाइल की जो है टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लखनऊ नोड जो डिफेंस हब का है उसमें 300 करोड़ का निवेश करके ब्रह्मोस प्रोडक्शन सेंटर बनाया जाएगा। आगे बढ़ते हैं, पौधारोपण पर सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है। उसी के तहत जो है स्नातक के छात्रों को जो है अब पौधारोपण की भी पढ़ाई करनी होगी। जितने भी स्टेट यूनिवर्सिटी हैं यूपी में, उनमें अनिवार्य रूप से जो है अंतिम सेमेस्टर जो स्नातक का होगा उसमें पौधारोपण की पढ़ाई कराई जाएगी। नई जो है जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है 2020 की, इसके तहत पाठ्यक्रम निर्माण कमेटी के विषय विशेषज्ञों ने उच्च शिक्षा विभाग से इसकी संस्तुति की है, ताकि पढ़ाई के साथ ही छात्र छात्राएँ पर्यावरण, सामाजिक समस्या और पौधारोपण की जमीनी हकीकत को जान सकें। उत्तर प्रदेश ने एक और कीर्तिमान बनाया है। 81.59 लाख परिवारों को मुफ्त राशन देने का ये कीर्तिमान उत्तर प्रदेश ने बनाया है। और ये बना कैसे था? जो अभी अन्न महोत्सव बनाया गया पूरे प्रदेश में, इसी के तहत जो है ये रिकॉर्ड बना है। बस इतना ही याद रखिए। तो आगे बढ़ते हैं, अगला अपडेट क्या है? गिद्धों का संरक्षण, जो कि एक बहुत ही चिंताग्रस्त विषय है, क्योंकि जो गिद्ध हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है और वो विलुप्ति के कगार पे आ गए हैं। उसका मुख्य वजह क्या रही है? जो दर्द निवारक दवा डाइक्लोफेनिक का यूज़ किया जाता है मनुष्यों में, वो जब गिद्ध के शरीर में पहुंचता है तो गिद्ध की जो है किडनी को क्या करता है? ब्लॉक कर देता है। उसी वजह से जो है उनकी लगातार मृत्यु हो रही है। तो अब जो है गिद्धों का संरक्षण जो है करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी गई है। और ये कब जो है डिसीजन लिया गया है? आप जानते हैं कि सितंबर का जो पहला शनिवार होता है उसको अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो उसी क्रम में जो है सरकार ने ये निर्णय लिया है, और इसमें जो है ग्राम प्रधान और वन्य जीव संरक्षण विभाग आपस में जो है कोऑर्डिनेट करके जो है इसके लिए प्रयास करेगा। आगे बढ़ते हैं, कौशल विकास विश्वविद्यालय, ये एक नया जो है विश्वविद्यालय है। इधर उत्तर प्रदेश में कई सारे जैसे आयुष विश्वविद्यालय, विधि विश्वविद्यालय, सभी जो है नए नए खोलने की घोषणा की गई है। उसी कड़ी में जो है कौशल विश्वविद्यालय ये कहाँ पर बनेगा? बस यही सबसे महत्वपूर्ण है। तो ये बनेगा आपके वाराणसी में। रक्षा मंत्रालय की हवाई पट्टी के नाम से रजवाड़ी चौबेपुर में दर्ज भूमि पर इसका निर्माण किया जाएगा। कुल मिला के जिला याद रखिए, स्थान याद रखिए कि देश का पहला कौशल विकास विश्वविद्यालय कहाँ पर बनेगा? वाराणसी में। इस तरह के प्रश्न अति संभावित होते हैं एग्जाम के लिए। BHU में हिंदू स्टडीज की कोर्स की पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ की गई थी, जो पहले जो है प्रपोज की गई थी। तो सनातन धर्म संस्कृति व संस्कृत को लेकर काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इसी सत्र से हिंदू स्टडीज कोर्स शुरू किया जाएगा, और BHU जो है ये कोर्स संचालित करने वाला पहला विश्वविद्यालय होगा।
इस कोर्स की 40 सीटों पर प्रवेश के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के माध्यम से प्रवेश परीक्षा होगी और आगे चलकर इस कोर्स को लोक सेवा आयोग में भी परीक्षाओं से जोड़े जाने की जो है मतलब एज ए सब्जेक्ट जो है इसको उसमें ऐड किया जाएगा। जैसे आप विभिन्न ऑप्शनल सब्जेक्ट को देखते हैं उसी तरह से हिंदू स्टडीज़ नाम से भी एक सब्जेक्ट आप आगे चल के देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर दूर से गले लगते दिखेंगे भगवान श्री राम व निषाद राज। तो अयोध्या जो सर्किट है, जो पर्यटन सर्किट है, उसके विकास के ही अंतर्गत जो है ये स्थापित किया जा रहा है और इसमें 51 फुट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी जिसमें प्रभु श्री राम और निषाद राज जो है आपस में गले मिलते हुए दिखाई देंगे। तो 51 फिट की प्रतिमा आप जानते हैं काफ़ी ऊंची होती है और प्रतिमा को मजबूती प्रदान करने के लिए सीसा, टिन व जस्ता का प्रयोग होगा तथा 85% तक इसमें कॉपर का प्रयोग होगा। और ये जो है श्रृंग ऋषि की तपोभूमि श्रृंगेरवपुर को धार्मिक पर्यटन स्थल में जो विकसित किया जा रहा है वहाँ पर जो है ये होगा। जिला मुख्यालय से पश्चिम करीब 32 किलोमीटर दूर जो है श्रृंगेरवपुर सदियों से आस्था का केंद्र रहा है और एक मान्यता है जो पौराणिक मान्यता है कि प्रभु श्री राम माता सीता और जो है उनके अनु लक्ष्मण के साथ जो है श्री राम 14 साल के वनवास के लिए जाते समय उन्होंने यहाँ पर विश्राम किया था, रुके थे और यहीं पर जो है निषाद राज जो थे उन्होंने जो है अपनी नाव पर जो है उनको गंगा नदी पार कराई थी। आगे बढ़ते हैं। लोकबंधु अस्पताल कहाँ पर है? लखनऊ में है। पहली चीज़ को याद रखिएगा, यहाँ पर प्रदेश की पहली एंटी रेबीज प्रयोगशाला बनेगी। बस इतना ही पॉइंट महत्वपूर्ण है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं। रेबीज के बारे में आपको जानकारी आई है, रेबीज कैसी है? एक वायरल डिजीज़ है जो कि किस कुत्ता, बंदर, बिल्ली इत्यादि जो है जो जानवर हैं इनके काटने से मनुष्य में फैल सकता है और इससे हाइड्रोफोबिया हो जाता है। पहला लक्षण कि जिस जो पीड़ित व्यक्ति होता है उसको पानी से डर लगने लगता है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 5 नए आश्रम पद्धति से संचालित जो है विद्यालय स्थापित किए जाएंगे और ये जिले कौन कौन से हैं? कन्नौज, गौतम बुद्ध नगर, शाहजहाँपुर, सुल्तानपुर व मिर्ज़ापुर। पहले भी आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं लेकिन 5 नए और बनाए जाएंगे। प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय, इसका भी हाल ही में जो है महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा गोरखपुर में इस विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी गई यानी शिलान्यास किया गया तथा महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय का लोकार्पण भी किया गया। तो यूपी के दौरे पर राष्ट्रपति महोदय आए थे, उसी कार्यक्रम में इन्होंने किया और ये प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय है। तो आपको ध्यान रखना है दोनों जो है विद्यालयों के बारे में, आयुष विश्वविद्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में, और महायोगी गोरक्षनाथ विश्वविद्यालय ये भी गोरखपुर में है। चूँकि राष्ट्रपति ने इसका जो है शिलान्यास किया है और लोकार्पण किया है तो निश्चित रूप से जो है ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। बलिया में अभी कच्चे तेल के भंडार के संकेत मिले हैं। तो बलिया में भूगर्भ में कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल होने के संकेत मिले हैं। ये सर्वेक्षण ONGC की टीम द्वारा किया गया है। ONGC यानी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने शहर से सटे हैबतपुर गांव में कच्चा तेल का अकूत भंडार होने का दावा किया है। टीम ने सर्वे के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें जमीन के 4 किलोमीटर नीचे भारी मात्रा में क्रूड ऑयल होने की संभावना व्यक्त की गई है। आगे बढ़ते हैं। गंगा एक्सप्रेसवे काम इसका तेजी से चल रहा है और इसको जो है 36,000 करोड़ रुपए में इसको बनाया जा रहा है जिसकी मंजूरी अभी हाल ही में कैबिनेट ने दी है और ये मेरठ से प्रयागराज तक होगा, ये आपको सबसे पहले याद रखना है। और 594 किलोमीटर लंबाई होगी इसकी जो है। इसके लिए सरकार ने 36,230 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत व इस परियोजना के लिए बिडिंग प्रक्रिया की अनुमति दे दी गई है और ये गंगा एक्सप्रेसवे जो है उत्तर प्रदेश के 12 शहरों से होकर गुजरेगा।
तो जितने भी एक्सप्रेस वे आप पढ़िए जो खासकर नए बन रहे हैं प्रस्तावित हैं उनका रूट मैप जरूर जरूर याद रखिएगा। तो ये 12 जिले कौन से होंगे, मेरठ से शुरुआत होगी, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़ व प्रयागराज, ये जो है इसका रूट होगा। आगे बढ़ते हैं और इसकी बहुत सारी अन्य विशेषताएं हैं। ये 8 लेन तक जो है एक्सपेंडेबल है, अभी 6 लेन का बनेगा, 6 लेन का बनेगा। एक्सप्रेसवे के राइट ऑफ वे की चौड़ाई जो है 130 मीटर प्रस्तावित है और यहाँ पर 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वाहन चल सकेंगे। लड़ाकू वायुयानों के लिए एक्सप्रेसवे पर शाहजहांपुर के पास जो है हवाई पट्टी भी बनेगी, जिससे इमरजेंसी कंडीशंस पर इस पे फाइटर जेट्स लैंड कर सकें और यहाँ से जो है टेक ऑफ कर सकें। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का द्वितीय चरण सेकेंड फेज स्टार्ट हो चुका है और इसके तहत जो है प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के 1.47 करोड़ परिवारों को लाभान्वित किया गया है पहले चरण में। द्वितीय चरण में 20 लाख महिलाओं को मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, भूटान सरकार वाराणसी के पिंडरा में एक बौद्ध मंदिर का निर्माण करेगी अपना सहयोग देके। बस जगह महत्वपूर्ण है जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या आपको अगर जगह दी हुई है तो ये पूछा जा सकता है कि कौन सी गवर्नमेंट इसमें सहयोग कर रही है। तो भूटान सरकार द्वारा बनारस के पिंडरा में बौद्ध मंदिर बनवाया जाएगा, जो कि पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी जो है महत्वपूर्ण होगा। प्रदेश की पहली फिल्म सिटी काफ़ी समय से चर्चा में है, कोई नया जो है वो नहीं है, और इसका निर्माण जो है अब फाइनल हो गया है। 2022 में जनवरी में निर्माण प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और ये जो है यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण क्षेत्र ईडा के सेक्टर 21 में, जो कि नोएडा के सेक्टर 21 में इसका निर्माण होगा। ये फिल्म सिटी PPP मॉडल पर आधारित होगी, 3 चरणों में बनेगी और इसमें 6,000 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च आएगा और 1,000 एकड़ में बन रही है। तो आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा जो है ये बड़े क्षेत्रफल में बनाई जा रही है। प्रत्येक जिले में 75 महिलाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये किस कार्यक्रम के अंतर्गत है, ये मिशन शक्ति का जो तीसरा चरण शुरू हुआ है उसके अंतर्गत जो है शुरू किया गया है। इसमें प्रत्येक जिले में कोविड काल में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला चिकित्सकों, स्वास्थ्य कर्मियों, महिला स्वयं सहायता समूहों, महिला स्वयं सेवी संगठनों, शिक्षा से जुड़ी या महिला सशक्तिकरण से जुड़ी महत्वपूर्ण कार्य करने वाली 75 महिलाओं को इसके अंतर्गत सम्मानित किया जाएगा। अभी जो उत्तर प्रदेश का मानसून सत्र जो है समाप्त हुआ है उसमें 15 नए विधेयक जो है पारित किए गए हैं। तो ये विधेयक की पूरी लिस्ट दी हुई है, इसमें उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक 2021, उत्तर प्रदेश नगरीय परिसर किराएदार विनियमन विधेयक, उत्तर प्रदेश धूम्रपान निषेध निरसन विधेयक, उत्तर प्रदेश लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक। तो ये सब पूरी लिस्ट याद रखने की आवश्यकता नहीं है, 15 विधेयक नए पास किए गए हैं। इसके अलावा कई सारे कैबिनेट ने नए फैसले लिए हैं, वो थोड़ा सा जान लीजिए। जिला खनिज फाउंडेशन जो ट्रस्ट है इसमें सांसद व विधायक को नामित किया जा सकेगा, ये नया निर्णय लिया है सरकार ने। नागरिक उड्डयन में 4 नए पद सृजित किए गए हैं। देवरिया में शहीद रामचंद्र विद्यार्थी के नाम पर एक संग्रहालय बनेगा, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जगह और संग्रहालय का नाम पता होना चाहिए आपको। उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र अधिनियम 1962 में प्रथम संशोधन हुआ है। अब 10 लाख तक बुक वैल्यू के जर्जर भवनों को गिराने का फैसला विभाग स्वयं कर सकेंगे। देवरिया के जो कृषि ज्ञान केंद्र को भूमि दी गई है और उत्तर प्रदेश औद्योगिक शांति अधिनियम 1978 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके अलावा जो है CAG की रिपोर्ट जो है प्रस्तुत की गई है और बाकी बहुत सारे जो है इसमें प्रस्ताव संशोधित करके जो है प्रस्तुत किए गए हैं। तो सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं, जो महत्वपूर्ण है उसका मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। आगे चलते हैं, अभी जो है देवबंद के नाम पर बड़ा जो है नई नई जो है चीज़ें आ रही थी,
कि देवबंद का मूल नाम क्या है, उसका नाम परिवर्तित करने की मांग की जा रही है। तो पहले ये द्वैत वन था, इससे देवबंद हुआ, फिर देवबृंद से देवबंद हुआ, अब देवबृंद इसको करने की मांग की जा रही है। महाभारत कालीन इस कस्बे का नाम सबसे पहले द्वैत वन था, जैसा कि पौराणिक जो है लेखों में मिलता है। इसके बाद ये देववन हो गया बोलचाल में, फिर अपभ्रंश इसका होके देवबृंद हो गया, और उसके बाद जो है देवबंद हुआ। तो ये मांग की जा रही है वहाँ के निवासियों के द्वारा कि इसको फिर से देवबृंद किया जाए, जो इसका जो है मूल रूप से नाम था। आगे बढ़ते हैं, काफ़ी सारे लोग जो है शवों को जो है नदी नालों में जो है प्रवाहित कर देते हैं। कई लोग की इस तरह की मानता है कि जो है जल प्रवाहित करना चाहिए, लेकिन जो है इससे क्या होता है, इससे जो है बहुत जो है विकट प्रदूषण की और खासकर जल प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होती है। तो उसके लिए जो है तालाबों में या शहरों में नदी नालों में अगर जो है कोई शव प्रवाहित करता है, चाहे वो मानव का हो चाहे पशु का हो, तो उसको 3,000 रुपये तक उसके ऊपर जुर्माना देना पड़ेगा। और नगर पालिका परिषद में शहरों में अब 1,000 रुपये व 6 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 2,000 रुपये जुर्माना देना होगा। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ को 3 शहरों से जोड़ने के लिए बुलेट ट्रेन की योजना को प्रस्तावित किया जा रहा है। ये 3 शहर कौन से हैं, बस ये नाम याद रखिए अभी, क्योंकि ये लंबा प्रोजेक्ट है। दिल्ली, वाराणसी और अयोध्या, यहाँ से जो है लखनऊ को बुलेट ट्रेन से जोड़ने का जो है प्रस्ताव है। उसके लिए ट्रायल भी चल रहा है, यहाँ पर दिया हुआ पूरा जो है, तो बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे में 941 किलोमीटर के रूप में लखनऊ से अयोध्या करीब 135 किलोमीटर का नया कॉरिडोर जोड़ा जाएगा। बाकी जो है पहले से ही जो है इस पर प्रस्ताव चल रहा है। ललितपुर में एक हवाई अड्डा बनाया जाएगा, जिसकी घोषणा की गई है, और इसके लिए फिजिबिलिटी अध्ययन अभी चल रहा है, और छोटे वायुयान उतारने के लिए यहाँ पर जो है एक हवाई अड्डा विकसित किए जाने की योजना सरकार ने रखी है। मिशन शक्ति का 3रे चरण का शुभारंभ हुआ है, और इस कार्यक्रम हुआ था इसके लिए विधिवत लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। इसमें केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी शामिल हुई थी, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है सहित कई लोग इसमें मौजूद थे। मिशन शक्ति के पहले व दूसरे चरण में अच्छा काम करने वाले एवं कोरोना संक्रमण के दौरान उत्कृष्ट काम करने वाले 75 महिलाओं को भी इसमें सम्मानित किया गया है। अब इसमें जो है क्या क्या कुछ उत्कृष्ट कार्य सरकार ने किए हैं जो उनके द्वारा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत 1.55 लाख बेटियों के खाते में 30.12 करोड़ रुपए भेजे गए। बदायूं में वीरांगना अवंतीबाई बटालियन के प्रांगण का शिलान्यास किया गया, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है। बदायूं में धान व गेहूं के लिए महिला प्रोड्यूसर कंपनी का गठन किया गया है। 59,000 ग्राम पंचायत भवनों में मिशन शक्ति कच्छ की शुरुआत, 84.79 करोड़ की लागत से 1286 थानों में पिंक टॉयलेट का शिलान्यास किया गया, और महिला बटालियनों के लिए 2982 पदों यानी 2,982 पदों के लिए विशेष भर्ती की जाएगी। आगे बढ़ते हैं, डेयरी क्षेत्र में जो है नीदरलैंड्स के सहयोग से जो है एक प्रोजेक्ट स्थापित हो रहा है। तो प्रदेश में डेयरी प्रशिक्षण केंद्र खुलेगा, और मुख्य रूप से आपको याद यही रखना है कि इसमें कौन सा देश सहयोग कर रहा है, नीदरलैंड। उत्तर प्रदेश और नीदरलैंड कई क्षेत्रों में मिलकर पहले से ही काम कर रहे हैं। प्रदेश में रिन्यूएबल एनर्जी को आगे बढ़ाने के साथ ठोस अपशिष्ट प्रदर्शन यानी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और जल प्रबंधन के स्रोतों का भी काम हो रहा है। खाद्य प्रसंस्करण के साथ पुष्प उत्पादन तथा डेयरी उपयोग में आधुनिक तकनीक का प्रयोग किसानों की आय को दोगुना करने के लिए मददगार साबित होगा। और आगे देखते हैं, गीता प्रेस की पुस्तकें जो हैं अभी तक जो है हिंदी में मूलतः छपती थी, अब इनको 4 भाषाओं में प्रकाशित किया जाएगा। तो ये जो 4 भाषाएं हैं ये कौन कौन सी होंगी, हिंदी, मराठी, तमिल, गुजराती, अंग्रेजी, कन्नड़, उड़िया में प्रकाशित हो चुकी हैं पहले से, और इसको अब जो है असमिया में भी प्रकाशित कराया जाएगा,
नेपाली भाषा में प्रकाशित होगा। तो इस तरह से चार और भाषाओं में जो है प्रकाशन जो है इनका शुरू हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स जो भारत सरकार का मंत्रालय है, इसकी एक रिपोर्ट आई है उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। उसमें कुछ महत्वपूर्ण बात है, उसको आप जान लीजिए। कोरोना काल में कारोबार के लिहाज से उत्तर प्रदेश ने विकसित राज्यों को पीछे छोड़ते हुए जुलाई में रिकॉर्ड 1838 नई कंपनियां खोलकर महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स की रिपोर्ट है। इन कंपनियों के माध्यम से मात्र एक महीने में 15,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट उत्तर प्रदेश में आया है। ओलंपिक पदक विजेताओं का उत्तर प्रदेश में सम्मान किया गया था, उसके लिए बकायदा एक पूरा कार्यक्रम हुआ था। तो गोल्डन बॉयज में कौन थे, नीरज चोपड़ा, और हॉकी की दोनों टीमों के साथ 50 से अधिक खिलाड़ियों को और उनके कोचेज को यानी प्रशिक्षकों का भी सम्मान किया गया था। यह आयोजन कहां पर हुआ था, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना इंटरनेशनल स्टेडियम लखनऊ में ये प्रोग्राम हुआ था। इसमें सभी पदक विजेताओं को अलग के अलावा महिला हॉकी टीम के सभी सदस्यों को 50-50 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी गई थी, और जो लोग छोटे से अंतर से चूक गए थे, हार गए थे, उनको भी जो है पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जिन खिलाड़ियों ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, चाहे उन्होंने पदक जीता हो चाहे नहीं जीता हो, उनको अलग से प्रोत्साहन के लिए 25-25 लाख रुपए जो है सरकार के द्वारा देकर सम्मानित किया गया। तो ये लिस्ट है जिसमें उत्तर प्रदेश के कौन कौन से खिलाड़ी थे, उनको कितना कितना धनराशि दी गई जो है। खैर ये जो है नहीं पूछा जाएगा, आपको ये जानना जरूरी कि कौन कौन से खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हैं और वो कौन सा खेल खेलते हैं, अगर उन्होंने पदक जीता है तो कौन सा जीता है। आगे बढ़ते हैं, अभी सरकार ने एक नई घोषणा की है कि 1 करोड़ युवाओं को जो है टैबलेट या मोबाइल फ़ोन जो है वितरित किया जाएगा, और प्रतियोगी छात्रों को भी 3 परीक्षाओं तक जो है भत्ता दिया जाएगा। टैबलेट पाने के पात्र स्नातक, परास्नातक, तकनीकी या डिप्लोमा के छात्र होंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में ODOP योजना चल रही है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, उसी की तर्ज पर जो है एक जिला एक कृषि उत्पाद योजना अब जो है उत्तर प्रदेश में लागू की जा रही है, और इसमें जो है हर जिले में एक जो सबसे ज़्यादा वहाँ की पॉपुलर फसल है उसको सूचीबद्ध किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत जिलावार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित करके किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य प्रदान किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण ले लें तो सभी जिलों की कृषि सूची में 3 फसलें जो है, सिद्धार्थनगर का काला नमक चावल, गोंडा की दाल, बहराइच का गेहूं ही शामिल है, ये पहले से है, और अब जो है इसको नए सिरे से सूचीबद्ध किया जा रहा सभी जिलों के लिए। आगे बढ़ते हैं, सोनम वांगचुंग को डॉक्टरेट की मानक उपाधि दी गई है, और ये मानक उपाधि कहाँ पर मिली है, लखनऊ में दीक्षांत समारोह में, जो कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था, जिसमें जो है राष्ट्रपति महोदय ने जो है ये उनको प्रदान किया है। प्रदेश में जो है गंदगी फैलाने पर जो है जुर्माना बढ़ा दिया गया है, जिससे स्वच्छता पर जो है ध्यान दिया जा सके। तो पहले जो है 500 रुपये था जो है गंदगी फैलाने वालों पर जुर्माना, अब इसको 2000 जो है कर दिया गया है, बढ़ाकर जो है कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, 16 जिलों में PPP यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर जो है मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खोले जाएंगे। तो ये ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं है, वहाँ पर जो है ये मेडिकल कॉलेज जो है प्राइवेट सेक्टर की मदद से बनाए जाएंगे। इनमें मुख्य रूप से कौन है, बलिया, बागपत, भदोही, हमीरपुर, चित्रकूट, हाथरस, कासगंज, महाराजगंज, महोबा, मैनपुरी, मऊ, रामपुर, संभल, संत कबीर नगर, शामली और श्रावस्ती इसमें शामिल हैं। उत्तर प्रदेश में जो केंद्र सरकार की जो है स्मार्ट सिटी मिशन की योजनाएं चल रही हैं, उसमें 50% जो है प्रोजेक्ट का पूरा कर लिया गया है, और प्रदेश के चयनित 10 स्मार्ट सिटीज़ में वाराणसी जो है प्रोजेक्ट को पूरा करने में सबसे आगे है, जहां की ज़्यादातर परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। देश भर में इस तरह के कुल 100 शहरों को चुना गया था, जिसमें 10 जो है कहां के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं,
प्रदेश में मौजूदा सरकार ने योजना के तहत चयनित 10 तो केंद्र सरकार के द्वारा चुने गए थे, उसके अलावा 7 और शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की घोषणा की थी प्रदेश सरकार ने अपनी तरफ से, जिसमें मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, फिरोजाबाद, वृंदावन, मथुरा तथा शाहजहांपुर शामिल हैं। KBC बहुत पॉपुलर जो है शो है, बहुत पॉपुलर जो है GK का गेम है, क्विज गेम। तो KBC जो 13 अभी चल रहा है उसमें आगरा की जो है, जो यूपी के आगरा की हिमानी है वो पहली करोड़पति बनी है। हिमानी जी जो है स्थानीय केंद्रीय विश्वविद्यालय नंबर 1 में गणित की शिक्षिका हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी एक रिपोर्ट आई है बच्चों के उत्पीड़न संबंधित, इसमें बताया गया है कि जो लखनऊ मंडल है उत्तर प्रदेश का, उसमें सबसे ज़्यादा बच्चों का उत्पीड़न किया जाता है। ये बाल आयोग कार्यालय की रिपोर्ट है। इसके अनुसार वर्ष 2020-21 में 171 मामले लखनऊ मंडल में बच्चों के उत्पीड़न के दर्ज हुए हैं। वहीं दूसरे नंबर पर मुरादाबाद मंडल है, तीसरे नंबर पर अयोध्या और चौथे नंबर पर बरेली मंडल है। उभरते सितारे फंड, ये एक स्टार्टअप फंड है। तो 21 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निर्यात उन्मुख फर्मों और स्टार्टअप्स के लिए एक महत्वाकांक्षी उभरते सितारे फंड लॉन्च किया। इसकी स्थापना एक्जिम बैंक ने की है। इस फंड से प्रौद्योगिकी उत्पादों या प्रक्रियाओं के माध्यम से संभावित लाभ वाले भारतीय उद्यमों की पहचान करने की जो है की जा रही कोशिश। आगे बढ़ते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान पुरस्कार 2020 के हैं, लेकिन 2021 में इसकी घोषणा हुई है। तो उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम द्वारा 2020 में पुरस्कृत होने वाले विद्वानों की सूची के अनुसार लखनऊ के प्रोफेसर ओम प्रकाश पांडे को विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाएगा और इसके तहत सम्मान राशि कितनी है, 501,000 रुपया सम्मान राशि है। वहीं पर 201,000 रुपये की धनराशि महर्षि वाल्मीकि पुरस्कार दिया जा रहा है, जो कि गाजियाबाद के डॉक्टर बिशन लाल गौड़ हैं। इतनी ही धनराशि महर्षि व्यास पुरस्कार में दी जा रही है वाराणसी के डॉक्टर कमला पांडे को। तो जो ओम प्रकाश पांडे हैं, विश्व भारती पुरस्कार उनको मिला है, उनका जो है काफ़ी योगदान रहा है जो है उत्तर प्रदेश में। ये लखनऊ विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के अध्यक्ष पद से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं और बहुत सारे जो इन्होंने शोध कार्य किए हैं। इसके अलावा कई सारे और भी संस्कृत संस्थान द्वारा पुरस्कार दिए जाते हैं, जैसे कि महर्षि नारद पुरस्कार, विशिष्ट पुरस्कार। तो कौन कौन जो है ये गणमान्य व्यक्ति हैं और जो है किन किन जिलों से संबंधित हैं, इसको आप जो है देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, कालीन का जब निर्माण होता है तो उससे जो है कटिंग के रूप में अपशिष्ट काफ़ी सारा निकलता है, तो उस अपशिष्ट का प्रयोग करके टाइल्स बनाए जाने की जो है संभावना खोजी है। कहाँ पर, गोरखपुर के जो गोरखपुर का जो मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय है उसके जो शोधार्थी हैं, जो शोध छात्र हैं, उनके द्वारा जो है इसको अपशिष्ट से हल्के वजन का एक ऐसा पॉलीमर कंपोजिट मटेरियल तैयार किया गया है जिससे ताप और ना ही ध्वनिरोधी ताप और ध्वनिरोधी सीट्स और दीवारों पर लगाए जाने वाली टाइल्स बनाई जाएगी। ये जो रिसर्च है वो नीदरलैंड के रिसर्च जनरल एल्स वियर के साथ ही चीन के रिसर्च जनरल में भी प्रकाशित हुआ है, क्योंकि तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की इसको ख्याति भी प्राप्त हो गई है। आगे बढ़ते हैं, अभी आपने काफ़ी दिनों से सुना होगा दिल्ली में हैप्पीनेस पाठ्यक्रम चल रहा था, तो हैप्पीनेस पाठ्यक्रम के ही तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में भी हैप्पीनेस पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, जो कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जो है अभी इसको लागू किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और हैप्पीनेस पाठ्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में कब आया था, जब जो है तत्कालीन जो है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी जो है भारत के दौरे पर आए थे और उन्होंने दिल्ली के एक सरकारी स्कूल का विजिट किया था, वहाँ पर हैप्पीनेस क्लास की जानकारी ली थी। साहसिक युवाओं को CM एडवेंचर अवार्ड दिया जाएगा, ये नए एक पुरस्कारों की
घोषणा है, इसमें जो है अवार्ड मिलेगा, साथ में जो है युवा कल्याण विभाग जो है विवेकानंद यूथ अवार्ड जो है जो पर्सनल अवार्ड होगा इससे सम्मानित युवाओं के नाम पर उनके गांव और मोहल्लों में जो है सड़कों के नामकरण भी करेगी। आगे बढ़ते हैं, महिला डेस्क की तर्ज पर अब थानों में जो है साइबर डेस्क का भी निर्माण किया जाएगा। इससे क्या होगा, पीड़ित की शिकायत जल्द से जल्द दर्ज हो सकेगी जब वहाँ पर एक साइबर सेल स्थापित होगा और साइबर अपराध की घटनाओं पर नियंत्रण पाने में मदद मिलेगी। ये एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि है जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ISO 9001 प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला देश का पहला पुलिस नियंत्रण केंद्र जो है बन गया है उत्तर प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश का डायल 100 है, इसको 9001 प्रमाणीकरण के साथ जो है पहला इस तरह का है जो पुलिस कंट्रोल रूम जो है जिसको ये सर्टिफिकेट अभी तक मिला है। आगे बढ़ते हैं, गन्ना किसानों के लिए 30,000 हेक्टेयर में ड्रिप सिंचाई की परियोजना संयंत्र स्थापित किया जाएगा। गन्ना विकास विभाग 2021-22 में 30,000 हेक्टेयर गन्ना क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई संयंत्र स्थापित करने की योजना बनाए रही है। और ड्रिप सिंचाई का सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है, इसके जरिए जल के उपयोग में 50-60% पानी की बचत होती है और इस तकनीक से जो है भूगर्भ जल का जो दोहन होता है वो कम होता है, क्योंकि अगर हम जो है कम दोहन करेंगे और उसको जो है इस प्रकार से यूटिलाइज करेंगे कि कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा जो है पौधों को लाभान्वित किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश देश का 6वां सबसे बड़ा निर्यातक बना है, ये नई रिपोर्ट है, और निर्यात में 152% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो ये जो रैंक है 6th रैंक, ये महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें अप्रैल एवं मई राज्य से 21,500.85 करोड़ रुपए का निर्यात हुआ है, जबकि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था उसमें 8,511.34 करोड़ रुपए का सामान उत्तर प्रदेश से निर्यात किया गया था। तो पिछले के मुकाबले देखेंगे तो 152.67% की निर्यात में वृद्धि हुई है। जितने भी भारत के प्रमुख निर्यातक राज्य हैं उसमें उत्तर प्रदेश 6ठे स्थान पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन फैसिलिटेशन सेंटर बनाए जाएंगे। बस यही आपको याद रखना है, ओवरसीज ट्रेड प्रमोशन फैसिलिटेशन सेंटर। ओवरसीज ट्रेड फैसिलिटेशन का मतलब आप समझ रहे हैं कि विदेश व्यापार को प्रमोट करने के लिए ये सेंटर बनाए जाएंगे। बनारस और गोरखपुर के बीच उत्तर प्रदेश की पहली सी प्लेन सेवा शुरू होगी, जिस तरह से गुजरात में सी प्लेन की शुरुआत हुई थी उसी की तर्ज पर उत्तर प्रदेश और गोरखपुर के बीच में ये सी प्लेन सेवा शुरू होगी। नेक्स्ट, 2024 तक कृषि निर्यात में को दुगुना करने का सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया। तो लक्ष्य प्रायः पूछ लिए जाते हैं, टाइमलाइन रखिएगा, 2024 तक कृषि निर्यात को दुगुना करना है। केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश ने 2019 में राज्य कृषि निर्यात नीति या पॉलिसी एडॉप्ट की थी और उसी के तहत ये लक्ष्य रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रीय पोषण मिशन 2021 का शुभारंभ हुआ और इसका शुभारंभ जो है राज्यपाल आनंदीबेन पटेल व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा किया गया। देश से कुपोषण को खत्म करना एक बड़ी चुनौती है, इसके लिए सरकार प्रयास कर रही है। अब इसमें बहुत सारे जो है प्रोग्राम इसके अंतर्गत हैं। सैपियो एनालिटिक्स तथा उत्तर प्रदेश सरकार के मध्य एक समझौता ज्ञापन हुआ है, तो ये जो है कौन से विभाग के अंतर्गत है, MSME, इसके अंतर्गत जो है उत्तर प्रदेश सरकार और सैपियो एनालिटिक्स के मध्य एक समझौता ज्ञापन या MOU हुआ है। इसके तहत क्या होगा, उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विभाग को एक ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर जिसका नाम है क्लाउड का मानात लाइसेंस दिया जाएगा। इस समझौता ज्ञापन के तहत उत्तर प्रदेश के 20,000 MSME को 72 करोड़ रुपए का क्लाउड ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का लाइसेंस मुफ्त में प्रदान किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश के जितने भी मंडल हैं, कितने मंडल हैं, 18, सभी में कम से कम एक एक राज्य विश्वविद्यालय होना चाहिए, जहाँ नहीं है उसको खोला जाएगा। ये जो है नया जो है सरकार का वो है। तो इस तरह से कम सकल नामांकन दर वाले 26 जिलों में मॉडल राजकीय महाविद्यालय भी खोले जाएंगे राज्य विश्वविद्यालय के अतिरिक्त। आगे बढ़ते हैं, प्रदेश में बाघ व तेंदुओं के लिए पीलीभीत, मेरठ, महाराजगंज व चित्रकूट में रेस्क्यू सेंटर की स्थापना की जाएगी। ये हेडिंग यहाँ पर गलत हो गई है। तो ये जो रेस्क्यू सेंटर है ये कहाँ पर बन रहे हैं? बाघ और तेंदुओं के लिए पीलीभीत, मेरठ, महाराजगंज व चित्रकूट। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश का जो निर्यात है वो पिछले 4 सालों में, अभी हमने दूसरा डेटा देखा था उसी से लगभग रिलेटेड है, पिछले 4 सालों में, कहने का मतलब है जब से जो है ये वर्तमान सरकार कार्य कर रही है तब से 38% की उसमें बढ़ोतरी हुई है निर्यात में। बस आपसे जो है यही पूछा जा सकता है। इसके अलावा 19-20 व 20-21 जो वित्तीय वर्ष है इसमें सर्वश्रेष्ठ निर्यातक पुरस्कार से बाराबंकी के मैसर्स हर्बोकेम इंडस्ट्रीज को जो है पुरस्कृत किया गया है, और बाकी अन्य उत्पाद की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार झांसी के मैसर्स पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया है। सबसे ऊंचा रैपिड रेल स्टेशन कहाँ बन रहा है? उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में। ये सबसे ऊंचा होगा देश का जो है रैपिड रेल स्टेशन। आगे बढ़ते हैं, देश में सबसे ज़्यादा निवेश वाला जिला कौन सा बन गया है? नोएडा। ये निश्चित रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गौतम बुद्ध नगर जिसका मुख्यालय नोएडा है, बीते 4.5 वर्ष में रिकॉर्ड 64,362 करोड़ रुपए का निवेश इसने प्राप्त किया है। इस तरह से नोएडा देश में सर्वाधिक औद्योगिक निवेश कराने वाला जिला बन गया है। इस निवेश से जिले में 484,922 लोगों को स्थायी रोजगार प्राप्त हो रहा है। प्रोफेसर अरुण शुक्ला को शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला, और ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण है। कौन है प्रोफेसर साहब? IIT कानपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं। इनको बायोलॉजिकल साइंस के क्षेत्र में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार 2021 से पुरस्कृत करने की अभी हाल ही में घोषणा की गई है। और इनका जो रिसर्च है वो किस पर आधारित है? कई वर्षों से कोई लोग दवाएं लेते हैं उसका जो साइड इफ़ेक्ट होता है उसको कम करने के लिए ये रिसर्च कर रहे हैं। कंगना रनौत जो एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं, इनको अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की ODOP योजना, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अभी एक और परियोजना चलाई गई है रिसेंटली, आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना। तो प्रदेश के 27 लाख से अधिक किसानों को आत्मनिर्भर कृषक समन्वित विकास योजना का लाभ इसमें मिलेगा। इसके लिए सरकार 722.85 करोड़ रुपया खर्च करेगी, और जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है। एक और महत्वपूर्ण जो है सरकार ने घोषणा की है कि अगर दो बालिकाएं जो बहनें हैं किसी भी प्राइवेट स्कूल में एक साथ पढ़ती हैं तो उनमें से एक का जो है फीस माफ़ कर दी जाएगी, और वो जो फीस माफ़ होगी वो सरकार अपनी तरफ से वहन करेगी, यानी प्राइवेट स्कूल को उसके लिए नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में अब 70 साल पर जो है मेडिकल कॉलेज के जो डॉक्टर्स हैं वो रिटायरमेंट है। पहले इनकी रिटायरमेंट एज कितनी होती थी? 65 होती थी, लेकिन डॉक्टरों की कमी के कारण मेडिकल कॉलेजों में और कोरोना महामारी के मद्देनज़र जो है अब ये रिटायरमेंट की एज जो है उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों के जो प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, टीचर्स हैं, वो सभी जो है 70 साल कर दी गई, 65 से बढ़ाकर 70 कर दी गई है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल विस्तार हुआ जिसमें 7 नए मंत्री आए हैं। तो इसमें से कुछ मंत्रियों के नाम और उनको जो विभाग आवंटित हैं उसको याद रखिएगा जो है, और ये जो है किस जात का प्रतिनिधित्व करते हैं इन सबसे कोई विशेष मतलब नहीं है। 7 नए मंत्री कौन हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट जो है उसमें
चीफ जस्टिस जो है राजेश होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देश के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के पद पर नियुक्ति के लिए केंद्र को 8 नामों की सिफारिश की है। इसमें कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंद, जस्टिस राजेश बिंद इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हो सकते हैं, मतलब इनके नाम की सिफारिश अभी की गई है। महिला सामर्थ्य योजनाओं योजना रोजगार योजना के तहत जो है उत्तर प्रदेश में 1.25 लाख महिलाओं को रोजगार देने की योजना जो है लागू की जा रही है। इस योजना में क्या होगा, दूध और दूध से बने उत्पाद यानी जो डेयरी प्रोडक्ट होंगे उसके लिए डेयरी प्लांट लगाए जाएंगे जिनका संचालन जो है महिलाएं ही करेंगी। आगे बढ़ते हैं, हाईकोर्ट के एक जज हैं, उन्होंने 2000 से अधिक निर्णय हिंदी में दिए हैं जिसके कारण जो है उनको सम्मानित भी किया जा रहा है और ये कीर्तिमान भी बन गया है। तो ये कौन है जज साहब, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति डॉक्टर गौतम चौधरी ने हिंदी में फैसले सुनाने में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। इन्होंने अपने 20 महीने के कार्यकाल में 2000 से अधिक मुकदमों का निर्णय जो है हिंदी में दिया है। असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का प्रदेश पोर्टल पर मुफ्त पंजीकरण होगा। पहले जो है ये सुविधा केवल संगठित क्षेत्र के जो है लेबर्स के लिए या मजदूरों के लिए थी, अब इसमें असंगठित क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया है। बस यही जो है एक बदलाव है। और ये जो है कैसे पंजीकरण कराएंगे, ई श्रम पोर्टल पर इनको अपना पंजीकरण कराना होगा, तब इनको सारे लाभ मिलेंगे। दुनिया की जो सबसे लंबी LPG गैस पाइपलाइन बन रही है जो कांडला से गोरखपुर के लिए है, उसमें उत्तर प्रदेश के 18 शहरों से होकर वो गुजरेगी और लखनऊ सहित करीब उत्तर प्रदेश के 1.5 दर्जन शहरों में 1083 किलोमीटर गैस पाइपलाइन बिछाई जाएगी। जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तब ये प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे लंबा LPG पाइपलाइन प्रोजेक्ट होगा। ये पाइपलाइन पश्चिमी तट से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात राज्यों में बॉटलिंग प्लांट तक पाइपलाइन के माध्यम से LPG की आपूर्ति करेगा। उत्तर प्रदेश के 18 जिलों से गुजरेगी ये पाइपलाइन। कांडला गोरखपुर LPG पाइपलाइन के लिए संबंधित जिलाधिकारियों को भूमि अधिग्रहण करने के लिए जो है उन और जो समस्याएं आ रही उनका निस्तारण करने के लिए बोला गया है। और इसमें कौन कौन से शहर आ रहे हैं ये यहाँ पर दिया है, जो कि बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ग्रेटर नोएडा जो कि इंडस्ट्रियल हब है एक तरह से उत्तर प्रदेश का, तो यहाँ की 900 हेक्टेयर जमीन पर 8 नए इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स जो है बसाए जाएंगे। किन किन सेक्टर्स में होंगे यहाँ पर दिया हुआ है। इसके बसने से उद्यमियों को जमीन मिल सकेगी, जो नए इंडस्ट्रीज स्थापित करना चाहते हैं वो आसानी से जो है यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री स्थापित कर पाएंगे। अभी हाल ही में एक्सकवेशन के दौरान पुरातात्विक खोज हुई है, 1400 वर्ष पुराना एक पुरातात्विक स्थल मिला है उत्तर प्रदेश में। किस जिले में, बदायूं में। तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में एक टीले पर गुप्त काल के बाद का पुरातात्विक स्थल खोजा है। ये स्थान बदायूं जिले में गंगा नदी के पूर्वी तट पर स्थित गांव खेड़ा जलालपुर में है। आगे बढ़ते हैं, 9 राज्यों की प्रति व्यक्ति आय कोरोना से प्रभावित हुई है, जिसमें डिक्रीज आया है उसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। और उत्तर प्रदेश में जो है कितनी फीसदी गिरावट हुई है बस आपको ये याद रखना है। तो अगर 18-19 के कंपेरिजन किया जाए 20-21 की प्रति व्यक्ति आय की, तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति GDP में 6.06%, कितना 6.06% का डाउनफॉल रिपोर्ट किया गया है। रैंकिंग एक जारी हुई है, उसमें KGMU यानी किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, उसमें एक पायदान ऊपर हो गया है यानी एक अंक ऊपर उछाल लगाई है। तो ये कैसी रैंकिंग है, ये उच्च शिक्षण संस्थानों की रैंकिंग है जो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की इंडिया रैंकिंग 2021 इसका नाम है। इसमें IIT मद्रास जो है शीर्ष स्थान पर है और मेडिकल रैंकिंग में किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ एक पायदान ऊपर चढ़कर अब 9वें स्थान पर है।
यानी जो है ये 10वें से 9वें स्थान पे आ गया है, जबकि जो लखनऊ में जो है SGPGI इंस्टीट्यूट है ये 5वें नंबर पे है। इस तरह से बहुत सारे IITs का भी जो है इसमें रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। एक और महत्वपूर्ण जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का दूसरा केंद्र कहाँ पर बन रहा है, JP के गांव यानी जयप्रकाश नारायण जी के गांव में। तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का जो पैतृक गांव है लाला टोला सिताब दियारा, ये कहाँ पर है, बलिया उत्तर प्रदेश में। यहाँ पर देश का दूसरा झंडा निर्माण केंद्र बनेगा। अभी तक जो है राष्ट्रीय ध्वज निर्माण का निर्माण कहाँ केवल होता था, एक ही केंद्र था, कर्नाटक के हुबली शहर के बेंगेरी में होता था। कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ यहाँ पर तिरंगा बनाता है। वर्तमान में पूरे देश में यहीं से राष्ट्रीय ध्वज की आपूर्ति होती थी, लेकिन अब जो है उत्तर प्रदेश में भी खुलेगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके एग्ज़ाम में सीधे तौर पे आपसे पूछा जा सकता है। एक नई दवा की इजाद की है उत्तर प्रदेश के संस्थान CDRI ने, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान CDRI है कहाँ पर, लखनऊ में है, जिसका नाम है उमनीफेविर। उमनीफेविर क्या है, ये कोरोना के खिलाफ जो है एक दवा है जो बहुत ही कारगर बताई जा रही है। अभी ये ट्रायल फेज में है और इसमें बताया जा रहा है कि अगर बहुत ज़्यादा जो है गंभीर मामला नहीं है तो 5 दिन में वायरल लोड को ये पूरी तरह से खत्म करने में सक्षम है। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो है जो उसके चारों ओर का 10 किलोमीटर स्क्वायर का जो है एरिया है उसको अब तीर्थ क्षेत्र स्थल घोषित कर दिया गया। तीर्थ क्षेत्र वैसे भी था लेकिन जब सरकार इसको अनुसूचित कर देती है तो क्या होता है, वहाँ पर शराब नहीं बिक सकती है, वहाँ पर मांस नहीं बिक सकते हैं, वहाँ पर मांसाहारी होटल नहीं चल सकते हैं, बाकी कुछ और भी इस तरह के प्रतिबंध लग जाते हैं। तो अब जो है ये 10 किलोमीटर के सरकमफेरेंस में जो है कोई भी इस तरह की गतिविधियाँ नहीं हो सकती, वो तीर्थ क्षेत्र में आ गया है। ब्रज क्षेत्र जो मथुरा वृंदावन का माना जाता है उसमें अब कुल 8 तीर्थस्थल शामिल हो गए हैं। ये कौन कौन से हैं, तो 27 अक्टूबर 2017 को वृंदावन और बरसाना को तीर्थस्थल घोषित किया गया था। इसके बाद जो है सरकार ने 12 अप्रैल 2018 को मथुरा की नगर पंचायत गोवर्धन राधाकुंड नंदगांव गोकुल बलदेव को अधिकतम तीर्थ क्षेत्र को तीर्थ स्थान घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय है कहाँ पर स्थापित हो रहा है, प्रयागराज में। अब उसका नामकरण भी फाइनल हो गया, किसके नाम पर होगा, बस यही आपसे पूछा जा सकता है, राजेंद्र प्रसाद जी के नाम पर। तो जो देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उनके नाम पर जो है प्रयागराज का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय राज्य विधि विश्वविद्यालय स्थापित होगा। आगे बढ़ते हैं, किन्नरों के कल्याण के लिए प्रदेश में एक नई पहल की गई है। अब प्रदेश में किन्नर कल्याण बोर्ड गठित किया जाएगा और किया जा चुका है। इस बोर्ड के चेयरमैन कौन होंगे, पदेन समाज कल्याण मंत्री होंगे। और ये जो किन्नर कल्याण बोर्ड है ये सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन में उनके एक आदेश के तहत गठित किया गया है। इस बोर्ड का जो उपाध्यक्ष होगा वो मुख्यमंत्री की ओर से नामित कोई किन्नर ही होगा और ये जो है किन्नरों के उत्थान, सामाजिक आर्थिक जो है उत्थान के लिए जो है काम करेगा। आगे बढ़ते हैं, धान का समर्थन मूल्य जिस तरह से केंद्र सरकार ने घोषित किया उसी तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो कॉमन जो धान है सामान्य धान उसका समर्थन मूल्य कितना हो गया है उत्तर प्रदेश में, 1940 रुपया प्रति कुंटल, और ये खरीफ विपणन वर्ष 21-22 के लिए मान्य है। और कॉमन मूल्य तो 1940 हो गया प्रति कुंटल, और जो ग्रेड ए धान होगा इसका समर्थन मूल्य कितना हो जाएगा, 1960, बस इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में मजूरी संहिता 2021 को कैबिनेट ने मंजूर कर दिया है। ये बहुत ही, इसमें जो है कर्मचारियों को 4 श्रेणियों में बांटा गया है, एक हो गए अकुशल, दूसरे अर्धकुशल, तीसरे कुशल और अगला अति कुशल बांटा गया है। और इसमें एक नियमावली बनाई गई है कि किसी भी कर्मचारी के विश्राम अंतराल यानी जो रेस्ट पीरियड होता है जिसमें लंच भी आता है रेस्टिंग टाइम भी आता है,
उसको मिलाते हुए किसी से भी किसी हालत में 12 घंटे से अधिक कार्य नहीं कराया जा सकता है। और श्रमिकों को जीवन स्तर को ध्यान में रखते हुए दैनिक आधार पर न्यूनतम मजदूरी भी इसमें निर्धारित की जाएगी। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन और बाकी बोर्डों में भी कई सारे नए चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के नए चेयरमैन कौन हैं? चौधरी कैफूल वर्रा को जो है नया चेयरमैन बनाया गया। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अध्यक्ष बनाए गए हैं डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद और उत्तर प्रदेश फकरुद्दीन अली मोहम्मद मेमोरियल कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है अतहर सगीर जैदी को जो है बनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। अलीगढ़ में डिफेंस हब के तहत जो है सेना की पिस्टल और राइफल, जैसे हमने पढ़ा था ना कि ड्रोन की इकाई होगी बाकी और भी चीज़ें, तो इसी तरह से सेना की पिस्टल और राइफल भी यहाँ पर बनेगी। इसके लिए बेरिबिन डिफेंस प्राइवेट लिमिटेड जो है एक फैक्ट्री स्थापित करेगी जो कि अगले साल तक स्थापित हो जाएगा। झांसी में इसी प्रकार जो है डिफेंस हब के तहत एसाल्ट और स्नाइपर राइफल्स का जो है केंद्र स्थापित होगा और इसमें CQB कार्बाइन के कारतूस भी बनाए जाएंगे। 12वीं के बाद डिग्री डिप्लोमा करने वालों को टैबलेट या मोबाइल फ़ोन दिया जाएगा। अभी रिसेंट फिर से इसकी घोषणा की गई है और इसमें लगभग 1 करोड़ युवाओं को जो है ये योजना का लाभ मिलेगा। 16 जिलों में PPP मॉडल पर नए मेडिकल कॉलेज स्थापित होंगे। ये हमने जो है पहले कवर कर लिया है करंट अफेयर्स में ही। मातृभूमि योजना, उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना एक ये नई योजना है। इसका क्या महत्व है? तो उत्तर प्रदेश के गांवों में अवस्थापना सुविधाओं का विकास करने के लिए इस योजना को लागू किया जा रहा है। इसमें गांव के विकास में हर व्यक्ति को भागीदारी का मौका मिलेगा। विकास कार्यों के लिए 50% राशि सरकार देगी और 50% जो फंड होगा वो संबंधित व्यक्ति को देना होगा जो इस योजना में शामिल होगा। इसके बदले परियोजना का नामकरण जो है उस व्यक्ति या उसके परिवार के नाम पर कर दिया जाएगा। अब इसमें क्या क्या हो सकता है? गांव में स्वास्थ्य केंद्र कोई खुलवा सकता है, आंगनबाड़ी खुलवा सकता है, पुस्तकालय बनवा सकता है, स्टेडियम बनवा सकता है, जिम बनवा सकता है, ओपन जिम, पशु नस्ल सुधार केंद्र, फायर सर्विस इत्यादि का निर्माण करवा सकता है। धान खरीद के अंतर्गत जो है सरकार ने 70 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। समर्थन मूल्य पर भी हमने बात की थी कि जो है कॉमन ग्रेड का जो है धान जो होगा 1940 रुपये पर कुंटल और जो ए ग्रेड का होगा 1960 रुपये पर कुंटल के हिसाब से खरीदा जाएगा। पेप्सिको के द्वारा एक बहुत बड़ा प्लांट जो है लगाया जाएगा मथुरा में और ये प्लांट क्या होगा? ये पोटैटो चिप्स का प्लांट होगा। इससे क्या फ़ायदा होगा? आलू उत्पादक किसानों को जो है अपना माल औने पौने दाम पर इधर उधर बेचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो मथुरा है उसके आसपास के जो एरियाज हैं जहां पर आलू उत्पादन होता है पेप्सिको डायरेक्ट उनसे जो है ये ले लेगी और ये देश में पेप्सिको का अब तक का सबसे बड़ा निवेश होगा। IIM लखनऊ यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट लखनऊ को ग्लोबल रैंकिंग में 79th पोजीशन मिली है। ये फाइनेंशियल टाइम्स यूनाइटेड किंगडम द्वारा जो 100 टॉप मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट जारी की गई है उसमें जो है 79th पोजीशन मिली है और देश में IIM संस्थानों में तीसरा स्थान पाया है लखनऊ ने। इस रैंकिंग में पूर्व छात्रों के करियर ग्राफ, संस्थान के पाठ्यक्रमों की विविधता और जो है शोध कार्यों को प्रमुख आधार बनाया गया है। प्रदेश के 75,000 हस्तशिल्पी जो है प्रशिक्षित की जाएंगे और ये जो है किस योजना के तहत होगा? विश्वकर्मा श्रम सम्मान के तहत इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। अलीगढ़ में ही जो है रक्षा उत्पाद हब के में जो है कुछ नई अपडेट्स जुड़ी हैं। ये पहली पसंद बन गया है सभी कंपनियों का। अलीगढ़ नोड में रक्षा उपकरणों, ड्रोन, एरोस्पेस उपकरण और सेना के लिए छोटे हथियार बनाने के कारखाने स्थापित होंगे। झांसी नोड जो है इसमें डेल्टा कॉम्बैक्ट सिस्टम लिमिटेड
150 करोड़ रुपए का निवेश करके असॉल्ट व स्नाइपर राइफल बनाएगी। कानपुर नोट जो है इसमें कुंगर मौर प्राइवेट लिमिटेड 20 करोड़ का निवेश करके सेना के लिए कपड़े तैयार करेगी, जो कि आधुनिक मटेरियल एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड 38.58 करोड़ का निवेश करके बुलेट प्रूफ जैकेट का जो है यहाँ पर यूनिट स्थापित करेगी। आगे बढ़ते हैं, लखनऊ के साथ में ही उत्तर प्रदेश में 7 शहरों के लिए लॉजिस्टिक प्लान्स डेवलप किए गए हैं। कौन कौन से 7 शहर हैं बड़े? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, बनारस, आगरा, गाजियाबाद व मेरठ। लॉजिस्टिक की इकाइयाँ लगने से क्या होगा, यहाँ पर भंडारण क्षमता बढ़ेगी और जो यहाँ पर उद्यमी होंगे उनको जो है आसानी होगा। आगे बढ़ते हैं, अर्थव्यवस्था में सुधार से आयकर संग्रह जो है उत्तर प्रदेश का, उसमें क्या हुआ है, 78% की बढ़त हुई है। 19-20 में उत्तर प्रदेश पूर्व में 13,553 करोड़ रुपए का आयकर संग्रह हुआ था, लेकिन बीच में जो है कोरोना महामारी के कारण जो है ये संग्रह प्रभावित हुआ था, और 2021 में अगर देखें तो ये घटकर जो है 10,940 करोड़ रुपए रह गया था। फिर 21-22 में 14,713 करोड़ रुपए के वार्षिक लक्ष्य के सापेक्ष अभी तक 10 सितंबर तक 4,669 करोड़ रुपए आयकर जमा हो चुके हैं, जो कि 78% की बढ़ोतरी को दर्शाता है। आगे बढ़ेंगे, लखनऊ समेत 4 जिलों में फ्लैटेड फैक्ट्री बनेंगी। फ्लैटेड फैक्ट्री का क्या अर्थ होता है, ये फ्लैट नुमा होगा, मतलब उसमें फैक्ट्री भी लगी होगी, उसमें रहने के लिए जो वहाँ पे कर्मचारी होंगे, मजदूर होंगे, उनके लिए फ्लैट्स भी होंगे, वहीं पर सारी सुविधाएं होंगी, उसमें मार्केट भी होगा, तो कुल मिला के ये फ्लैट नुमा होगा। एक ही कॉम्प्लेक्स में फैक्ट्री, आवासीय सुविधाएँ, शॉपिंग के प्लेस और बाकी सारी सुविधाएँ वहाँ पर होंगी। तो ये जो है पहले चरण में आगरा, लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद जिले में ये 345 करोड़ रुपए के निवेश से ये बनाई जाएंगी। ई वाच, ई ग्रीन वाच पोर्टल से जो पौधारोपण और बाकी कार्य हो रहे हैं उनकी निगरानी करने के लिए पोर्टल लॉन्च किया गया है, और इससे जो है जो अभी तक जो है सरकारी तौर पर पौधारोपण होता है उसको मॉनिटर किया जा सकेगा कि ये वास्तव में हो रहा है या उसमें कोई गड़बड़ की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, जेवर और टप्पल, टप्पल कहाँ पर, अलीगढ़, जेवर आप जानते ही हैं, इनके बीच में एक जो है एरोस्पेस मेंटेनेंस की केंद्र स्थापित होगा, सरकार ने ये घोषणा की है। जेवर में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है उसके लिहाज से ये जो है काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। आगे बढ़ते हैं, खुर्जा में सुपर थर्मल पावर स्टेशन, खुर्जा कहाँ पर है, बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में है, इसमें इसका शिलान्यास जो है हुआ था 9 मार्च 2019 को प्रधानमंत्री के द्वारा किया गया था। 1320 मेगावाट क्षमता का ये थर्मल पावर प्लांट है। अब इसमें अभी रिसेंटली क्या जो है ऐसा हुआ कि ये करंट का जो है मामला बन गया, इस बिजली संयंत्र में 2660 मेगावाट सुपर क्रिटिकल कोयला आधारित बिजली उत्पादन इकाइयां शामिल होंगी। पहली इकाई जो है 2022 तक चालू होने की उम्मीद है, इसके बाद 2023 में दूसरी यूनिट भी चालू हो जाएगी, और बिजली संयंत्र के लिए जो दैनिक कोयला है उसकी आवश्यकता 16,300 टन होने के कारण अनुमान है, जिसे अमेलिया कोयला खादान से पूरा किया जाएगा। अब बात आती है अमेलिया कोयला खादान कहाँ पर है, तो ये जो है कोयला का ब्लॉक मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य में 25 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। गन्ना का जो मूल्य किसानों को दिया जाता है, और बिजली बिल पर भी ब्याज को माफ़ किया जाएगा, ये दो जो है बड़ी घोषणाएं अभी की गई हैं। तो इससे क्या होगा, 315 रुपए प्रति कुंटल में बिकने वाला सामान्य गन्ना था, अब वो 340 में जो है खरीदा जाएगा, और 325 वाला जो गन्ना था वो जो है 350 में खरीदा जाएगा। इससे लगभग 45 लाख गन्ना किसान जो है प्रभावित होंगे, उनको लाभ मिलेगा। नोएडा में मेडिकल डिवाइस पार्क बनेगा, ये हमने अभी डिस्कस कर ही लिया। आगे बढ़ते हैं,
उत्तर प्रदेश जो है राशन कार्ड को आधार से लिंक करने में जो है अव्वल यानी प्रथम स्थान पर देश में आ गया है। पिछले 6 महीनों में खाद्य व रसद विभाग ने 1,61,256 नए राशन कार्ड बनाए हैं और प्रदेश में 99.79% राशन कार्डों को आधार से लिंक किया जा चुका है। प्रदेश के जो 18 कृषि विज्ञान केंद्र हैं इनको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में भी विकसित किया जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण है। और प्रदेश के सभी 9 कृषि जलवायु क्षेत्र जो हैं उनमें 2-2 सेंटर खुलेंगे, यानी कि 2-2 कृषि विज्ञान केंद्र खोले जाएंगे। तो इस तरह से कितने हो जाएंगे, कुल 18 हो जाएंगे, ये खुले हुए हैं, इनमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में इनको विकसित किया जाएगा। अब सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का मतलब क्या है कि वहाँ कुछ ना कुछ विशेषता होगी, जैसे कि कृषि विज्ञान केंद्र मऊ है तो ये यहाँ पर धान गेहूँ की विविधता होगी, कृषि विज्ञान केंद्र वाराणसी है ये सब्जी प्रसंस्करण और मूल्य संबंधन होगा, कृषि विज्ञान केंद्र बलरामपुर है ये मत्स्य आधारित एकीकृत फसल प्रबंधन का केंद्र होगा। आगे बढ़ते हैं, अभी एक और घोषणा की गई है कि आंगनवाड़ी, अभी तक जो है उनका स्वयं का भवन नहीं होता था आंगनवाड़ी केंद्रों का, कहीं कहीं पर ही होता था, तो अब हर आंगनवाड़ी केंद्र का अपना स्वयं का भवन होगा। और उसके अलावा जो है आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता हैं उनको स्मार्टफोन्स और इन्फेंटोमीटर दिया जाएगा। इन्फेंटोमीटर क्या होता है, हो सकता है ये पहली बार आप टर्म सुन रहे हो, तो जो इन्फेंट्स होते हैं यानी जो नवजात शिशु होते हैं उनकी वृद्धि को नापने के लिए, उनकी वृद्धि की निगरानी के लिए इन्फेंटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, दृष्टि दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में पुस्तकों के प्रकाशन किया जाएगा और ये कार्य जो है किया जा रहा है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने, इन्होंने दिव्य दृष्टि दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में आगरा प्रमुख स्मारक पुस्तक का प्रकाशन कराया है, जिसमें आगरा के जितने भी स्मारक हैं उनके बारे में जानकारी है ब्रेल लिपि में, जिसको जो है नेत्रहीन जो दिव्यांग हैं वो पढ़ सकेंगे। हिंदी व अंग्रेजी में ये पुस्तक प्रकाशित की गई है। गंगा किनारे जो है अमूर्त सांस्कृतिक विरासतों की खोज का एक अभियान जो है चलाया जा रहा था भारत सरकार के द्वारा, तो इसमें क्या था, गोमुख से लेके गंगा सागर तक जो है जहाँ पर गंगा नदी जो है उसमें मिल जाती है बंगाल की खाड़ी में, वहाँ तक ये जो है शुरू किया गया था 2019 दिसंबर में ये प्रारंभ हुआ था। अब जो है इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश में भी जो है विरासतों की खोज की जा रही है, जिसमें प्रमुख रूप से कन्नौज हरदोई का भी सर्वेक्षण हुआ है। तो मित्रों इस तरह से आज के सेशन में हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के 2 महीने के करंट अफेयर्स को, जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, उसको कवर कर लिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नमस्कार, धन्यवाद।